गाइस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शबी रॉक। तो फ्रेंड्स कैसे आप सब, मैं हूं शबनम और आप लोग देख रहे हैं शबी रॉक। तो फ्रेंड्स आज मेरे हाथ में आप देख ही रहे हैं ये क्या है, तो ये है टिंकल का रेजर जो मैंने ऑनलाइन काफ़ी पहले नायका से मंगाया था। तो इसे अभी मैं काफ़ी समय से इसे यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी पहला रेज़र नहीं है, इससे पहले भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो क्या होता है कि रेज़र से आप, क्योंकि अभी हम लोग भाई लॉकडाउन है तो बहुत सारे फेशियल हेयर्स आ जाते हैं और मेरे चेहरे पे भी अच्छा खासा फेशियल हेयर आ गया है। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पर मैं कभी कभी इनसे कर लेती हूँ और आज मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी दिखाती हूँ कि कैसे करती हूँ मैं। तो अभी बल्कि तुरंत नहीं वॉश किया है मैंने, मॉर्निंग में उठ के अपना फेस वॉश किया था नॉर्मल, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ वीडियोज़ बनाऊँगी। तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से आता है, इसमें तीन आते हैं, जिसमें से ये आप देखिए एक मैंने निकाला है और ये इस तरीके से होता है ये, और इससे इस तरीके का कैप लगा होता है जो इसके सेफ्टी के लिए होता है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसे मैं अभी यूज़ करने जा रही हूँ। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे काफ़ी सारा बाल आपको दिख रहा है, हाँ हल्के यहाँ पे भी बाल है, मुझे साइड बर्न से आगे मूंछों पे उतने बाल नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो मैं अपने आईब्रोज को भी बिल्कुल टच नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आईब्रो को थोड़ा अभी बढ़ाऊँगी, उसके बाद जब क्लीन अप जब करूँगी मैं तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे करना है। अभी हम लोग सिर्फ साइड बर्न पे देखेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए ये साइड बर्न है, यू हैव टू पुल, ऐसे खींचेंगे और ये बाल की ग्रोथ इस तरफ है, तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं बल्कि यहाँ से ऊपर जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे किया, ये लिया, और रेजर को कभी ऐसे सीधा मत रखिए, ये ऐसे मत रखिए, अदरवाइज कट लग सकता है 100%। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बेयर फेस रहेगा, कुछ मॉइस्चराइजिंग क्रीम या कुछ नहीं लगा होना चाहिए, बल्कि बेटर है कि आप इस पर टेलकम पाउडर लगा लीजिए जैसे आप थ्रेडिंग के समय लगाते हैं। ऐसे किया, ये सीधा ना होके ऐसे रहेगा स्लैंट, और वेरी स्लो, डोंट गो फास्ट। आप देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए आप देखिए, ये देखिए ये बाल मेरे यहाँ से यहाँ जा चुके हैं, बहुत स्लो जाएंगे, बहुत तेज़ी से बिल्कुल नहीं जाना है। इसीलिए मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ कि एग्जैक्टली आपको दिख पाए। ये देखिए बाल मेरे यहाँ तक जा चुके हैं, और ये हेयर टेस आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बाल हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कैमरे ने भी कैप्चर कर लिया है, तो इतने सारे बाल दिख गए हैं और बहुत ईजिली निकल गए हैं। ये सीधा रखेंगे कट हो जाएगा, ऐसे तिरछा रखना है और बहुत स्लो जाना है। तो ये आप देखें ये बाल हैं, आई होप ये विजिबल हो रहे हैं, ये देखें ये हैं वो बाल जो निकले हैं। तो यहाँ रख देती हूँ, अब हम लोग यहाँ का देख लेते हैं। ये ऐसे पुल करेंगे और इसको स्लैंट करके वेरी स्लोली, डोंट गो फास्ट, हल्की सी आपकी गलती से ये कट सकता है और आपको लाइन बन सकते हैं, कट बन सकते हैं। तो ये देखिए लुक एट हाउ मच, ये देखिए आप कितने ज़्यादा बाल हैं, माय गॉड, ये बाल यहाँ मेरे लटके हुए हैं ये बाल, आई होप कि ये कैमरे में साफ दिख रहे होंगे, ये रहे बाल। तो मैं बहुत ही ऐसी चीज़ें ही बताती हूँ जो प्रैक्टिकल में हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कहने को होती बट प्रैक्टिकली हो नहीं पाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा बाल, अच्छा खासा बाल है, और मेरे जो फेस के हेयर हैं वो जो हैं वो ब्राउन कलर में है, थोड़े ब्लैक नहीं है, इतने बाल निकल गए हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो फोरहेड पे कर सकते हैं, आप अपने ऊपर का यहाँ पे मत करिएगा, यहाँ थोड़ा सा कट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो यहाँ तो मत करिएगा, बट आप ऊपर का फोरहेड ये कर सकते हैं। अभी मैं फोरहेड पे तो नहीं, हाँ अब देखिए ये आपके नाक के आसपास भी, अगर किसी को जैसे बहुत ज़्यादा लैकेड वाला है या फिर डेड सेल्स बने, हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से करिएगा प्लीज़, हाथ आपका बहुत हल्का होना चाहिए, नहीं तो कट भी लग जाएगा और वो लुक आपका मतलब वह ख़राब हो जाएगा चेहरा। तो अगर डेड सेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गए तो इससे बाल के साथ साथ जितने डेड सेल्स होते हैं वो भी ईजिली उतर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है, बल्कि थोड़े बहुत और है पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहती हूँ।
ये देखिए, ये देखें, तो देखा आपने। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और जानने वाली हैं जो आप सबको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि आप कोई भी रेज़र यूज़ करें, ज़रूरी नहीं कि आप टिंकल का ही रेज़र यूज़ करें, आपके पास जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट इसको यूज़ करने के बाद अच्छे से धो के डिटॉल से इसके रेज़र को साफ़ करके और उसके बाद इस तरीके से जो इसका कैप आता है उसमें लगा के ही रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक रेज़र अगर एक बंदा यूज़ करता है तो उसी सेम रेज़र से आप किसी और को नहीं किया, अगर दो बहनें आपस में घर पे हैं तो एक ही रेज़र मंगा लिया उसी से दोनों यूज़ करी, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। देखिए इसमें ऑलरेडी तीन रेज़र्स मिलते हैं, तो आप चाहें तो तीन लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, सब अपना अपना अलग अलग कलर है, सब लोग ले लीजिए उसे यूज़ कर लीजिए। एक ही रेज़र से दो लोग बिल्कुल मत करेगा, एक बंदा एक ही रेज़र यूज़ करेगा, इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपको। सेकेंड बात ये है कि रेज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं तो भले आपका रेज़र स्मूथ चल रहा हो, बट ऐसा नहीं है कि उसी रेज़र को आप सालों साल, दो साल, तीन साल, चार साल तक चला रहे हैं, ये गलती भी मत चलिए करिएगा। इसे आप कुछ समय यूज़ करिए, चार पाँच छः यूज़ कर लीजिए, सात यूज़ कर लीजिए, जिससे आप इसको सेफली रखेंगे जितना उतना अच्छा है। तो एक तो आप सिंगल अपने लिए रखिए, पर्सनली ये पर्सनल चीज़ है, किसी के साथ शेयर करने वाली चीज़ नहीं है। साथ ही इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कि चार पाँच साल तक रेगुलर यूज़ करें, इसे आप चेंज करते रहिए तो आपके स्किन के लिए भी अच्छा होगा और आपको किसी तरह की इश्यूज़ नहीं होंगे। अब देखिए ये कर लेने के बाद क्या होगा, आपको हल्का हल्का सा लगेगा ज़रा सा कि मतलब खिंच रहा है या वो, तो आप इसके तुरंत बाद करके प्लेन वाटर से अपना हेयर चेहरा जो है वो वॉश कर लीजिए और आफ्टर दैट आप उसमें थोड़ा सा कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लीजिए, तो आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कुछ। जैसे कि आप थ्रेडिंग वगैरह कराते हैं तो क्योंकि स्किन है हमारी सेंसिटिव है, उसको अगर आप इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा वो लगता है, तुरंत आप उसके ऊपर कोई क्रीम लगा लीजिए या अगर आइस क्यूब है तो आइस क्यूब रगड़ लीजिए, तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा है आपके घर के यूज़ के लिए, बहुत बेहतरीन चीज़ है। बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेस बाल ना हो, मतलब बहुत इतने हल्के फुल्के हैं कि दिखते भी नहीं हैं, तो आई थिंक आपको रेज़र मतलब छेड़ने की क्या ज़रूरत है। अगर बहुत कम बाल हैं और आप उनसे कंफर्टेबल है तो मत छेड़िए, क्योंकि एक बार आप करेंगे तो फिर आपको बार बार करना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर 14-15 साल की लड़कियां हैं और बहुत एक्सेस बाल नहीं है तो प्लीज़ मत छेड़िए। जब एक्सेस बाल हैं तो आप करिए, क्योंकि बाल तो है वो चेहरे पर हैं भाई, नेचुरल चीज़ है, उसको उसमें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट जब एक्सेस हैं बहुत ज़्यादा है तो आप करिए। देखिए मेरे चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा बाल नहीं है, तो मैं करती हूँ पर बहुत कम करती हूँ, हर वक्त नहीं करती हूँ। और क्योंकि मैंने अभी किया था तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, तो इसीलिए आप भी बहुत ज़्यादा छेड़ ना करें। अब आईब्रोज़ पे मैंने बिल्कुल अभी नहीं छेड़ा, आप देख रहे हैं मेरी आईब्रोज़ अच्छी खासी पड़ गई है। बट आईब्रोज़ पे इससे पहले मैंने वीट की स्ट्रिप से इसको किया था, जो मेरी एक दूसरी वीडियो में है, मैं उसका लिंक भी ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख चेकआउट कर सकते हैं। बट आईब्रोज़ को अभी मैं नहीं करूँगी, ये आईब्रो मैं चाह रही हूँ कि थोड़े दिन मैं इसको बढ़ा लूँ और फिर मैं इसको परफेक्ट शेप दूँगी और वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। चलिए तो अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, वैल्यूबल लगी हो, तो स्टे ट्यून्ड विद शबी रॉक्स और शबी रॉक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आपकी फ्रेंड हूँ, बिल्कुल जैसी हूँ सिंपल हूँ और सिंपल तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें बताती हूँ। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद शबी रॉक्स।